बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। रबिया मीर क्रिएशंस में मैं हूँ रबिया मीर और मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम साग की एक बहुत ही आसान तरकीब बनाना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा, शुक्रिया। साग सर्दियों की एक बहुत मरहूब ग़िज़ा है, जो तकरीबन हर घर में तैयार की जाती है और अपने अंदाज से तैयार की जाती है। साग ना सिर्फ एक लजीज बल्कि ग़िज़ाई से भरपूर खुराक है, जिसमें शामिल किए जाने वाले अज़ा दर्जन हैं। सबसे पहले आप अज़ा नोट कर लीजिए। नमक 2 टेबलस्पून, हल्दी 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, और ये जो तमाम खुश्क मसाला ज़्यादा है ये हम साग, पालक और बातों को उबालने के दौरान शामिल करेंगे, ये तीनों। और इसके साथ हम कुछ सब्ज़ियाँ शामिल करेंगे, जिनमें सब्ज़ मिर्चें 6 अदद, लहसुन 6 जवे, साग 1.5 किलो, पालक 750 ग्राम यानी 3 पाव, बाथू 1 कट्ठी और पानी 1 गिलास, जो हम एक पतीले में डाल के उबलने के लिए रख देंगे। इसमें तमाम मसाला जात शामिल करके, इनका रेशो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सबसे पहले आप 1 गिलास पानी डालें। पानी इसलिए शामिल करेंगे ताकि साग जो है पेंदे से जले नहीं। इसके साथ आप शामिल करें लाल मिर्चें, जो कि 1 टेबलस्पून है, हल्दी 1 टेबलस्पून और नमक 2 टेबलस्पून है। वैसे तो साग में अपना भी बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट पाया जाता है, लेकिन हम पानी इसलिए इसमें डालते हैं कि ये नीचे से जले नहीं और इसे उबलने में आसानी हो। साग, बाथू और पालक एक बहुत ही हेल्दी कॉम्बिनेशन है। इसके साथ ही आप इसमें सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे, जिसमें विटामिन सी पाई जाती है। अगर आप चाहें तो साग को खाली सब्ज़ मिर्चों में भी पका सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्चों के बाद 6 अदद लहसुन के जवे। जैसे कि साग के फ़ायदे की बात कर रहे थे, तो इसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन ए बी सी वाफर मकदार में पाया जाता है। साथ इसमें पालक और इसमें आयरन भी है, और इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर कंटेंट पाया जाता है, जो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत मुफीद है। और आपको इसको अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करना चाहिए, और ज़्यादातर ये सर्दियों में खाया जाता है, लेकिन अगर आप इसको बॉईल करके रख लें पीस के, तो आप इसको सारा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं, जैसे हमने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया, अब हम इसे तब तक बॉईल करेंगे जब तक ये बीट करने के काबिल ना हो जाए। तो बाज़ लोग इसे ओवरनाइट भी रख देते हैं, लेकिन आपने अपनी ये तसल्ली करनी है कि अच्छी तरह से बॉयल हो जाए और इसमें थोड़ा सा पानी छोड़ देना है, ताकि ये आसानी से बीट हो सके। तो अब हम जब साग अच्छी तरह बॉयल हो जाए, तो आप इसे बीटर से बीट कर लें। बाज़ लोग इसे ट्रेडिशनल वे में घोटने से भी घोटते हैं, लेकिन चूँकि बीटर से बीट करना आसान है, तो हम यकीनन इसे बीट करेंगे। तमाम मसाला जात जो इसमें शामिल किए गए थे, जिनमें सब्ज़ मिर्च, लहसुन, नमक, मिर्च, हल्दी शामिल थे, वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसको पेस्ट की शक्ल दे देंगे बीट करके। अगर आपके पास बीटर नहीं है, तो आप इसको ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकती हैं। बस मकसद यही है कि आप इसकी पेस्ट बना दें, ताकि इसको बाद में तड़का लगाया जा सके। साग बीट हो चुका है, अब हम इसको तड़का लगाएंगे। और तड़के के लिए देसी घी, मकई का आटा, साग, लहसुन, अदरक और क्रश सब्ज़ मिर्चें चाहिए, जिनका रेशो हम आपको बताते चले कि हमें क्या क्या चीज़ कितनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें डाल जाएगा साग 2 कप पिसा हुआ बॉयल, इसके बाद देसी घी 6 टेबलस्पून, और आप अपनी मर्ज़ी से भी कम ज़्यादा कर सकती हैं। लहसुन जाएगा 1 टीस्पून, अदरक 1/2 टीस्पून, मकई का आटा 2 टेबलस्पून, क्रश चिली 1 टेबलस्पून, और सॉल्ट ऐड करेंगे, पिंच ऑफ सॉल्ट, वो भी अकॉर्डिंग टू योर चॉइस।
सबसे पहले एक पैन लें और इसमें 6 टेबलस्पून देसी घी शामिल करें और इसे आप अच्छी तरह से गर्म होने दें। देसी घी साग में बहुत लजीज लगता है, लेकिन अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें मक्खन भी डाल सकती हैं। अगर मक्खन भी आप डालना ना चाहें तो ऑयल में भी बन सकता है। घी को आप पिघला लें। जब घी गर्म हो जाए तो सबसे पहले आप इसमें 1 टीस्पून लहसुन शामिल करें और इसे अच्छी तरह से हिलाएं। साथ ही इसमें आप 1/2 टीस्पून अदरक डालें और इसे भी आप अच्छी तरह से हिलाएं ताकि ये पेंदे से जले नहीं। अब इसमें 1 टेबलस्पून क्रश सब्ज़ मिर्चें शामिल करें, इसे भी आप अच्छी तरह से हिलाएं और तकरीबन आधा मिनट इसको पकाएं। अब आप इसमें 2 कप साग शामिल कर दें और साग को अच्छी तरह से आपने लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों के मिक्सचर में मिक्स कर लेना है और इसे अच्छी तरह अब आप भूनें। फ्लेम आप मीडियम रखें, आपने हाई फ्लेम पे नहीं पकाना क्योंकि ये जल भी सकता है। अब आप इसको 10 मिनट तक तकरीबन पकाएं ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसमें मुसलसल चमचा चलाती जाएं ताकि ये जले नहीं। दस मिनट के बाद इसमें आप 2 टेबलस्पून मकई का आटा शामिल करें। मकई का आटा शामिल करने से ना सिर्फ ये स्मूथ हो जाता है बल्कि इसका एक क्रीमी टेक्सचर बन जाता है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। इसमें मकई का आटा शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह मज़ीद 10 मिनट तक पकाएं और इसके पकने की निशानी ये होगी कि साग में से जो घी है वो बाहर निकल आएगा और तब तक इसको भूने जब तक घी जो है वो साग से सेपरेट ना हो जाए। साग को अब अच्छी तरह से आप पकाएं ताकि तमाम मसाले जात आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। फ्लेम जो है वो मीडियम रखना है, फ्लेम तेज ना हो। साग पकाने के दौरान अगर आपको कोई मसाला कम या ज़्यादा लगता है आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें शामिल कर सकते हैं। अब हमने इस मुकाम पे 1 पिंच ऑफ सॉल्ट शामिल किया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा सॉल्ट कम लग रहा था। अब हम इसको सॉल्ट शामिल करने के बाद मज़ीद पकाएंगे ताकि जो नमक है वो इसमें रच बस जाए। साग अब तैयार है
और आप इसे सर्व कर सकती हैं। साग को सर्व करने के लिए आप ऊपर थोड़ी सी देसी घी की टॉपिंग कर लें और ज़रूर अपने घर में ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें। अपनी दुआ में याद रखिए। मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।